के साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। रामपुर विधायक पांचीलाल मीणा रविवार सुबह 10 बजे रामपुरा वार्ड क्रमांक 5 निचली बस्ती पहुंचे। वहां पर उन्होंने मौजूदा रहवासियों की समस्याएं जानी, जिसमें कई समस्याएं सामने आई। मूल रूप से वार्ड में पानी की निकासी, नाली की साफ सफाई और विद्युत व्यवस्था, कुटीर योजना में आ रही परेशानियों को जाना गया। उपरोक्त संदर्भ में विधायक ने तत्काल जवाबदार धामनोद CMO माया मंडलोई को फोन लगाया, लेकिन वह किसी कार्य से बाहर थी, तो उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में एक दल मौके पर तत्काल भेजा। वार्डवासियों का आरोप, गड्ढे भर गए, 1500 रुपए नगर परिषद के लोग मांगते हैं, कहां से लाएं। इधर वार्ड के मीना खराड़े, भारत खराड़े, नानूराम हीरालाल, इंद्र हीरालाल, सज्जन भाई, राजकुमारी मकवाने आदि ने बताया कि वार्ड में कई मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ना ही यहाँ सड़क है, ना ही अन्य मूलभूत सुविधाएं, यहाँ रहकर जीना दूभर हो गया है। क्रमांक 5 रामपुरा की कुछ समस्याएं सामने आई है, उसको लेकर आप यहाँ आए, क्या विषय है? मुझे यहाँ के निवासी ओम भाई है और भारत भाई, इन्होंने मुझे सूचना दी कि यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 5 में रामपुरा में धामनो नगर पंचायत वाले कोई कर्मचारी नहीं आते हैं, यहाँ के पार्षद नहीं आते हैं, कम से कम आप आके हमारी समस्या देखो। मुझे कल अवगत कराया था तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। इनके वार्ड मैंने सर्वे करा और यहाँ पर इन्होंने कुटीर की शिकायत करी और साफ़ सफाई की, नालियों की, ये मैंने सर्वे करके देख लिया। यहाँ पे नालियाँ भी साफ़ नहीं है, रोड नहीं बना हुआ है और नल नहीं आते हैं, कुटीर नहीं है, है ना, पेंशन नहीं मिलती है। समस्या को लेकर किसी को अवगत कराया क्या? मैंने अभी CMO साहब से बात करी है तो CMO साहब ने अभी आज बाहर है, वो कल आके इस वार्ड में आकर के सर्वे कराएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम रोड नाली बनवाएंगे, सफाई कराएंगे। इनके यहाँ लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, है ना, बाहर जाते हैं नालों में लेटरिन बाथरूम शौच करने, तो बड़ी बड़ा ही बहुत गंभीर विषय है इस मोहल्ले का। तो और लेटरिन के गड्ढे फूल हो गए तो वहाँ पे सफाई कर्मी बोले हमारे से 1500 रुपये की मांग करते हैं। तो मैंने उनसे CMO साहब से कहा है कि आप यहाँ आके देखो और यहाँ की सफाई भी करो, कुटीर नहीं मिली कुटीर की लिस्ट दो, मैं आदरणीय कलेक्टर साहब से बात करूँगा।